सब्सक्राइब कीजिए पेट्स प्लाजा चैनल को, उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा। आज फिर से वापस आ चुके हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो एक बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉग लवर है, डॉग लेना चाहते हैं। जैसे कि बिगनर के हिसाब से आप देखोगे तो बिगनर के माइंड में एक ही बात होता है कि कौन सा डॉग ले, कौन सा डॉग मेरे लिए सूटेबल होता है। और यदि कोई भी डॉग वो डिसाइड कर चुके हैं तो उनका क्या प्राइस होता है, क्या प्राइस देना पड़ता है या क्या प्राइस उनके लिए पेड करना सही होगा। तो यदि आप लासा एप्सो की तरफ जा रहे हो, लासा एप्सो आप लेना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आप पूरा फुल वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा, कि क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्राइस होना चाहिए और कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा लासा एप्सो के बारे में, कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मददगार होगा, कि आप अपने एक डिसीजन आप ले पाओगे कि लासा एप्सो लेना चाहिए, कैसे आप रख रखाव कर सकते हो, क्या प्राइस होना चाहिए और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके उस डॉग ब्रीड के बारे में आप जान पाओगे। तो फर्स्ट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, उसके बाद प्राइस की तरफ जाऊँगा। जैसे लासा एप्सो एक बहुत क्यूट और बहुत ड्यूरेबल डॉग ब्रीड है जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि ये डॉग बाइटर होता है जो दूर से देख के कोई भी पसंद नहीं करते या उन्हें टच नहीं करना चाहते। ये एक ऐसा डॉग ब्रीड होता है जो आप यदि कोई भी इंसान दूर से देखेगा तो वो टच करने के लिए सोचेगा। कितना क्यूट सा डॉग होता है, बहुत इंटेलिजेंट डॉग होता है, बहुत फ्रेंडली डॉग होता है, बच्चों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। आप ऐसा एक सिटी में या स्टेट में रहते हो जहाँ पर ग्राउंड की कमी है, आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस ऑफिस वर्क आपका बहुत ज़्यादा है, या आप अपने में बहुत बिजी होते हो, बट आप डॉग लवर हो, आप घर में आओ तो एक प्यारा सा क्यूट सा डॉग आपके पास रहे, तो आप ऐसा डॉग चाहते हैं तो आप लासा एप्सो की तरफ जा सकते हैं। एक लासा एप्सो ऐसा डॉग ब्रीड है जो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये ऐसा एक डॉग ब्रीड है, यदि आप घर में हर एक जगह जाओगे ये आपके पीछे 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 जाता रहेगा। ये बहुत क्यूट डॉग ब्रीड होता है, स्पेशली गर्ल्स इन्हें बहुत पसंद करते हैं। यदि गर्ल्स जैसे अपने आप को सजना संवरना पसंद होता है, वैसे गर्ल्स इसे भी रखते हैं, मैचिंग रबर बैंड लगाते हैं या ऐसे क्लचर लगाते हैं, मैचिंग क्लचर लगाते हैं, जो कि ये बहुत क्यूट लगता है। आप यदि कोई डॉग शो में जाओगे, यदि आप लासा एप्सो या सिज़ू देख लोगे तो फैन हो जाओगे आप, इतने प्यारे इतने अच्छे लगते हैं। कंडीशनर किया जाता है, पाउडर लगाया जाता है, तो ऐसे करके उसे सजाया संवारा जाता है, जो एक मतलब बच्चों की तरह उसे रखा जाता है। बट ये थोड़ा हाई मेंटेनेंस डॉग ब्रीड होता है, क्योंकि इनके हेयर होते हैं ना, हेयर के वजह से ये थोड़ा हाई मेंटेनेंस होता है, इसे मेंटेन करना पड़ता है। यदि आप इसे लो मेंटेनेंस बनाना चाहते हो तो आप इसका हेयर कटिंग करवा सकते हो। हेयर कटिंग करवा दोगे तो हेयर छोटे छोटे हो जाएंगे, तो नॉर्मल डॉग की तरह वो लगेगा, और उनपे आप यदि टिक्स होंगे या कोई भी स्किन रैशेस होगा तो आप इजिली उसे पकड़ पाओगे। अब बात करते हैं इनके ओरिजिन के बारे में। इनका जो ओरिजिन है वो तिब्बत से है, ठीक है, तिब्बत कंट्री से है, वहाँ से इनका ओरिजिन, वहाँ से ये फर्स्ट डॉग आए थे। और इनका लाइफ स्पैन की बात की जाए तो बहुत अच्छे लाइफ स्पैन के साथ है। यदि आप इसे इस डॉग ब्रीड को अडॉप्ट करेंगे तो आपके एटलीस्ट 12 to 15 ईयर तक आपके साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ बना रहेगा। और एक ऐसा एक लासा एप्सो पपी था जो कि 29 ईयर तक उनका वो अपने फैमिली मेंबर के साथ था, मतलब 29 ईयर उनका एज हो चुका था, उसके बाद उनका डेथ हुआ। और इनकी भी हाइट की बात की जाए तो 25 से लेकर 28 सेंटीमीटर तक होता था, तो आप समझ सकते हो कितना हाइट इनका शॉर्ट होता है, एकदम कॉम्पैक्ट साइज होता है, और हेयर के वजह से ये थोड़ा बड़ा बल्की लगता है। और इनकी वेट की बात की जाए तो मेल का जो वेट होता है वो 6 किलो से लेके 8 किलो के आसपास होता है, फीमेल का जो वेट होता है वो 5 किलो से लेके 7 किलो के आसपास होता है। इनकी टेम्पर की बात की जाए तो इनका टेम्पर बहुत अच्छा टेम्पर होता है, एक परफेक्ट वॉच डॉग होते हैं। वॉच डॉग इन द सेंस, यदि आपके घर पे कोई भी अननोन पर्सन आ रहा है, कोई भी मेहमान आ रहा है, तो ये आपको बार्क करके अलर्ट कर देंगे कि कोई वॉच डॉग, मतलब कोई भी अननोन पर्सन आपके घर पे, आपके डोर पे आ चुका है, तो ये ऐसा एक वॉच डॉग होता है। इसे आप एक अच्छा वॉच डॉग बना सकते हो, या एक नेचुरली एक अच्छा वॉच डॉग होता है।
अब बात करते हैं फूड के ऊपर। तो फूड नॉर्मली जैसे हर एक डॉग ब्रीड को आपको दिया जाता है, वैसे आप चिकन राइस घर के खाने में वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, बहुत चाव से बहुत प्यार से खा लेगा। और यदि आप ड्राई फिट के तरफ जाओगे तो स्टार्टिंग स्टेज में आपको स्टार्टर देना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने नॉर्मल एडल्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। बट यदि आप एक डॉग खाना खा ले तो खाना खाने के बाद आपको इसे अच्छे से वार्म वाटर के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ आपको कपड़ा को भिगो के इस अच्छे से इनका फेस को रब करके पोछना पड़ेगा। या आप वेट वाइपर आप ले सकते हो, बेबीज का आते हैं या बड़े के अभी आते हैं वहां से भी आप इसको अच्छे से पोछ सकते हो। ना तो उनका जो फूड होता है ना वो इनके फेस में या इनके बालों में चिपका हो जाता है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो आपको थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जैसे कि बालों के ब्रीड के साथ वैसा करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं बालों के ब्रीड के साथ तो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्राइस के ऊपर, जो कि मेन टॉपिक है प्राइस। यदि आप इंडिया में किसी भी कोने में हो, एटलीस्ट आपको 10,000, 8 से लेके 10,000 में एक पेट क्वालिटी का लासा एप्सो पपीज आपको मिल जाएगा, इजिली आराम से आपको मिल जाएगा। ये पेट क्वालिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पेट क्वालिटी का हिसाब मतलब यदि आप अपने घर पे फैमिली मेंबर के हिसाब से रखना सकते हो तो आप इसे अपने 10 to 10,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। और ये एक ऐसा डॉग ब्रीड है जो कि गिफ्ट के हिसाब से मतलब ब्लेसिंग के हिसाब से इसे रखा जाता है, मतलब जो बुद्धिज्म होते थे वो इसे एक डॉग ब्रीड को दूसरे फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को गिफ्ट के हिसाब से करते थे कि ब्लेसिंग होगा। ठीक है, अच्छे इसे अच्छे वाइब्स या अच्छे प्रकार के यूज के लिए, जैसे आप किसी चीज को गिफ्ट करते हो, हम लोगों मेनली दिवाली में चलता है तो बुद्धिज्म में वहां पर भी ऐसे इसे गिफ्ट किया जाता था। अब बात करते हैं कलर के ऊपर, तो इनका जो कलर होता है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं। जैसे कुछ कलर में आपको बता दे रहा हूँ जो आते हैं, हनी कलर में आते हैं, ब्राउन कलर में आते हैं, सैंडी कलर जो होता है सैंड का जो कलर होता है उस कलर में आते हैं, फुल व्हाइट में आते हैं, फुल ब्लैक में आते हैं, इस कलर में कुछ ब्रिंडल कलर में भी कुछ कुछ डॉग रहते हैं, तो इस कलर में आपको मिल जाएंगे बहुत प्यारे। और सबसे जो डिमांडफुल कलर जो होता है वो है सिज्जू कलर। सिज्जू कलर जो होता है वो काफी डिमांडिंग होता है, ट्राई कलर, तीन कलर उसमें मिक्स होते हैं, येलो व्हाइट ब्लैकिश, हल्का ब्लैकिश टाइप का होता है, उस कलर में काफी डिमांडिंग होता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो ये सिज्जू कलर है, ये बहुत डिमांडिंग कलर होता है, सिज्जू जैसा दिखने में होता है। और अब बात करते हैं इनका जो प्राइस रेंज होता है केसीआई पेपर्स में क्या आप देना पड़ेगा। केसीआई पेपर्स का प्राइस रेंज की तरफ जाओगे आप तो आपको 25,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा। बहुत अच्छा ब्रीड, एक अच्छे ब्रीडर के पास आप जाओगे तो आपको 25,000 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताएं किनके किनके पास किन किन सब्सक्राइबर के पास लासा एप्सो पपीज है, तो कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।